CLA societies, KK, CBC school, Chikodi. Welcome my dear students. कैसे हो आप सब? I hope कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों? Fit and fine होना, तो आपको क्या करना है बच्चों? घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है बच्चों? पढ़ाई भी करनी है. Yes. तो यहाँ पर आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है उसे डेली करके भेजना है. ओके, समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए आज की इस हिंदी क्लास में हम पहली कक्षा के बच्चों के लिए आओ लिखना सीखें. तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों? आओ लिखना सीखें. तो लास्ट क्लास में हम क्या सीख चुके हैं बच्चों, बताइए? लास्ट क्लास में हम क्या सीख चुके हैं? प से लेकर म तक के व्यंजन को हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं. प से पतंग, फ से फल, ब से बस, भ से भरना, म से मछली. तो यहाँ पर लास्ट क्लास में हम व्यंजन प से लेकर म तक व्यंजन को हम सीख चुके हैं. तो आइए बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, तो इन्हें किस तरह से लिखा जाता है यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे, लिखना सीखेंगे. लेट्स राइट. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालनी है, और उस टेक्स्ट बुक में आपको क्या करना है, पेज नंबर 28 निकालना है. ओके, तो चलिए पेज नंबर 28 निकालिए. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है. ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? व्यंजन प से लेकर म तक के व्यंजन हमें क्या करना है, इसे रीड करते हुए यहाँ पर लिखना है. तो आइए आज हम यहाँ पर इसे किस तरह से लिखा जाता है देखेंगे और सीखेंगे. ओके, तो चलिए प को रीड करते हुए लिखिए बच्चों, प. ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, प. यस, इस तरह से आपको प लिखना है. ओके, प ट्रस्ट करना है. इस प, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से लिखते हुए पूरे लाइन को फिल अप करना है. ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो लिखिए यहाँ पर आप क्या रीड करते हुए लिखिए बच्चों, प, और हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई. यस, नेक्स्ट उसके बाद आने वाला व्यंजन कौन सा है बच्चों, बताइए? उसके बाद आने वाला व्यंजन कौन सा है, फ. प के बाद आने वाला व्यंजन फ, तो चलिए फ को लिखिए. ओके, तो फ को इस तरह से लिखा जाता है. यस, फ. ओके, तो फ को यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इस तरह से लिखते हुए फुल लाइन लिखनी है. ओके, वहाँ पर जो डॉट दिया गया है उस पर आपको क्या करना है, ट्रस्ट करते हुए फ को कंप्लीट करना है. ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, फ लिखना है. ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फ के बाद आने वाला व्यंजन क्या है बच्चों, ब. तो ब किस तरह से लिखना है, यहाँ पर इस तरह से. वहाँ पर आधा आधा दिया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसे फुल लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर बहुत सारे इस बार व्यंजन सीख चुके हैं ना बच्चों. यस, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट ब लिखेंगे. ओके, ब. ओके, ब. यस, यहाँ पर इसे इस तरह करना है, अंदर की ओर एक लाइन खींचनी है. ओके, ब. तो इस तरह से आपको क्या करना है, ब को लिखना है. ओके, ये क्या हो गया हमारा, ब. नेक्स्ट देखिए बच्चों, ब के बाद आने वाला व्यंजन कौन सा है, बताइए? ब के बाद आने वाला व्यंजन कौन सा है, भ. तो भ को क्या करना है, इस तरह से लिखना है. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया ना बच्चों, किस तरह से लिखा जाता है. यस, भ किस तरह से लिखा जाता है देख चुके हो ना लास्ट क्लास में. तो चलिए भ को
पढ़ते हुए इसे कंप्लीट कीजिए। ये क्या हो गया बच्चों? भ। ओके, भ के बाद आने वाला व्यंजन क्या है बताइए? म। तो चलिए म को रीड करते हुए म को भी कंप्लीट कीजिए। म, एस म। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? म से मछली। म से क्या है बच्चों? म से मछली। यस, इस तरह से आपको क्या करना है? प, एस। इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों? प, प, फ, प, फ, ब, भ, म लिखना है। प से बताइए बच्चों, प से क्या आता है? प से पतंग, फ से फल, ब से बस, भ से भरना, म से मछली। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो इस तरह से आपको क्या करना है? इस पेज को लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। यस, नेक्स्ट पेज में क्या है? आपको यहाँ पर क्या करना है? फिर से वही व्यंजनों को लिखना है। तो देखिए बच्चों, लेकिन ये क्या है यहाँ पर? ये क्या है बच्चों? ये आपका कॉपीराइटिंग बुक है। ओके, तो कॉपीराइटिंग बुक में आपको क्या करना है? इस प्रकार से लिखना है। तो चलिए बच्चों, इसे क्या करना है? इसे इस तरह से लिखना है। इस तो आइए बच्चों, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? आपके टेक्स्ट बुक में यानी के जहाँ पर आपको दिया गया है उसे लिखेंगे। ओके, तो इसे किस तरह से लिखा जाता है देखिए बच्चों। एस, इसे यहाँ पर कॉपीराइटिंग बुक में लिखना है। प, एस, प, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। एस दूसरा है, यहाँ पर मैं लूँगी कलर प। फ, ये आपकी कॉपीराइटिंग बुक है। फ, ओके, ब, कॉपीराइटिंग बुक में आपको क्या करना है? इस प्रकार से लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको फिर से वही व्यंजन लिखने हैं। प, प, एस, फ, 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 सॉरी, यहाँ पर ब लिखना है। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है? ब लिखना है। ब, ब, नेक्स्ट देखिए, वहाँ पर फिर से वही लाइन आपको लिखनी है। यस, प, फ, फ, ब, ब। इस तरह से रीड करते हुए आपको क्या करना है बच्चों? इन्हें लिखना है। इस नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर प, प, ह, फ, ब, ब। ओके, तो आगे देखिए बच्चों, लास्ट लाइन में आपको रीड करते हुए लिखना है। प, प, फ, फ,
ब ओके तो समझ में आ गया ना बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना है, रीड करते हुए इसे लिखना है प फ ब। नेक्स्ट आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर तो नेक्स्ट पेज क्या है, यहाँ पर देखिए भ और म क्या करना है आपको लिखना है। तो चलिए भ और म को हम कंप्लीट करें, भ भ म म ओके भ भ म म। आगे फिर से वही लाइन, भ भ म म। यस, इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, इन व्यंजनों को रीड करते हुए लिखना है, भ भ म म। ओके तो समझ में आ गया ना बच्चों किस तरह से लिखा जाता है इस व्यंजनों को, प फ ब भ म। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रीड करते हुए इसे लिखना है। ओके भ भ म म। तो आज हमने क्या किया बच्चों, आज की इस क्लास में प फ ब भ म को किस तरह से लिखा जाता है यहाँ पर हम लिखना सीखा। ओके तो आपको क्या करना है बच्चों, अपने टेक्स्ट बुक में, अपने कॉपी राइटिंग बुक में इस तरह से लिखकर मुझे भेजना है। तो आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी व्यंजनों को लेकर और चित्रों के साथ किस तरह से रीड किया जाता है देखेंगे। ओके तो आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।